हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो हमारा टॉपिक है रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 की घोषणा हुई है। मैं हूँ विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं साहित्य भवन का यूट्यूब चैनल। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024। अब रेमन मैग्सेसे कौन थे? तो रेमन मैग्सेसे जो है वो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वर्ष 2024 का ये कौन सा संस्करण है? तो ये 66वां संस्करण है, अर्थात हम दूसरी तरह से कह सकते हैं ये 66वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 है। इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1957 में हुई थी। एक प्रश्न यहाँ पर क्या फ्रेम होता है कि यह पुरस्कार किस फिलीपींस के किस पूर्व राष्ट्रपति की स्मृति में दिया जाता है? तो ये यहाँ उत्तर क्या होगा, रेमन मैग्सेसे। स्थापना हुई 1957 में। प्रथम पुरस्कार कब दिया गया? वर्ष 1958 में। इस पुरस्कार की अर्थात रेमन मैग्सेसे की पुरस्कार राशि कितनी है? तो 50,000 अमेरिकी डॉलर है। इस पुरस्कार के प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे? तो इस पुरस्कार के अर्थात रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता विनोबा भावे थे, जिन्हें वर्ष 1958 में यह पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2024 में 5 विजेताओं की घोषणा की गई है। पहला नंबर कर्मा फुनसो, ये भूटान के शिक्षाविद हैं। भूटान के शिक्षाविद कर्मा फुनसो को वर्ष 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाएगा। वियतनामी चिकित्सक गुएन थी नॉक फोंग जो है वो इसके दूसरे प्राप्तकर्ता हैं इस पुरस्कार की। इंडोनेशिया की पर्यावरण कार्यकर्ता फरवीजा फरहीन को भी यह पुरस्कार दिया जाएगा। जापानी एनिमेटर हायायो मियाजी को भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह थाईलैंड के रूरल डॉक्टर मूवमेंट्स को भी यह पुरस्कार दिया जाएगा। एक जी के एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रतियोगिता साहित्य की करंट अफेयर्स हिंदी मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।